जेडीए की खुद की स्वयं की जमीन है, तो जो भी आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार आज हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। भाई ये जेडीए की जमीन मानकों दे, मैं भी समझा बेटा, मैं तो मगर दिन गुजार कर रहा। ये एनटीएम ने मशीनें लगा लगा के उठा के फेंक दी, किसी की तोड़फोड़ कर दी, ऐसे थोड़ी होता है। जो भी इन लोगों का सामान है उनको मतलब प्रॉपर वे में से ही ट्रैक्टरों के माध्यम से दूसरी जगह इनको शिफ्ट किया जा रहा है, कोई नुकसान इन लोगों का किया नहीं जा रहा। कुछ करोगे आप बड़े लोग, करोगे जब हम रहेंगे ना। अब क्या मैं सारी उम्र ही यहाँ रोता थोड़ी फेरा। अब आप तो उठाने के लिए आ गए तो हम तो उठा दिए। क्या मालूम कहाँ पटकेंगे, ये तो बोल रहे हैं कसरोली पटकेंगे हम। तो हमें यहाँ नहीं तो कहीं तो जमीन दो। वोटों की टाइम तो हमारे को याद कर लेते हैं, गांव बुला लेते हैं, तो हम कहाँ जाए गरीब लोग। इसलिए कम से कम एक महीने से प्रेशर बनाए हुए हैं, जेडीए के लोग आते हैं खाली करो, ये तो जेडीए की जमीन है, जबकि जेडीए की जमीन है ही नहीं। हमारे पास सोसाइटी का पट्टा है, साइट प्लान है, पिछले 22 साल से मैं दुकान बना के यहाँ रह रहा हूँ। नमस्कार, पंजाब केसरी राजस्थान आप देख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ इशिका जैन। इस वक्त हम मौजूद है जगतपुरा में स्थित अक्षय पात्र मंदिर के सामने शांति विहार कॉलोनी में, जो कि महल रोड पर पड़ती है। यहाँ पर आज सुबह से प्रशासन की बड़ी कार्रवाई चल रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बुलडोजर से अवैध अतिक्रमण इस पूरी जमीन से हटाया जा रहा है। दरअसल ये एक बेशकीमती जमीन है, इसके साथ ही कहा यह भी जा रहा है कि एक बड़े प्रोजेक्ट की तैयारी यहाँ पर चल रही है और उसी को लेकर के जमीन को अब खाली करवाया जा रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर दो तरह की जमीन है, एक जमीन उस तरफ है जहां पर कोर्ट का स्टे इस वक्त लगा हुआ है और इसीलिए उस जमीन को लेकर, क्योंकि अभी तक कोई आदेश नहीं निकले हैं जिसके चलते उस जमीन पर तो किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जा रही है, मगर उसके ठीक बगल में जमीन पर अभी प्रशासन की ओर से जो कार्रवाई है वो जारी है। आप देख सकते हैं कि बुलडोजर 5 से 6 बुलडोजर मौके पर मौजूद है और इस कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। इसके साथ ही पुलिस जाप्ता भी मौके पर तैनात है और इसके साथ ही एम्बुलेंस वगैरह इस तरह की जो पूरी सुरक्षा है वो यहाँ पर कर दी गई है। और इसके साथ ही बता दें कि यहाँ पर झुग्गी झोपड़ियाँ बनाकर बड़ी तादाद में, तकरीबन 70 से 80 झुग्गी झोपड़ियाँ बनाकर यहाँ पर लोग रह रहे थे पिछले 10 से 12 सालों से, मगर अब उन्हें यहाँ से तुरंत प्रभाव से खाली करवाया जा रहा है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि जेडीए ने आज से तकरीबन 7 से 8 दिन पहले ही यहाँ पर लोगों को अल्टीमेटम दे दिया था, चेतावनी जारी कर दी थी, मगर फिर भी जब लोगों ने जमीन को खाली नहीं किया तो फिर आज प्रशासन बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंचे हैं और इस कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। स्थानीय लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, उनका क्या कुछ कहना है, इसके साथ ही प्रशासन की ओर से उनके रहने के लिए क्या कुछ सुविधाएं मुहैया कराई गई है इस पर भी बातचीत करेंगे। तो चलिए लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या कुछ इस कार्रवाई को लेकर कहना है। मैं सारी उम्र यहाँ पूर ले ले और फिर आ खाई, माँ की व्यवस्था क्यों नहीं करे, बोटाली भगत तो ले ले। लेकिन माँ जी, ये तो अवैध जमीन, आपने तो अवैध अतिक्रमण कर रखा है ना यहाँ पे। हाँ, नहीं नहीं कराना आपने तो नहीं, ऐसे ही आके हम तो हमारे टाइम निकाल रहे हैं, हमारे को प्लाट इधर नहीं चाहिए। क्यों कि भाई ये जेडीए की जमीन मानकों दे, मैं भी समझा बेटा, मैं तो मगर दिन गुजार कर रहा। तो एक बात सोचो, अब क्या मैं सारी उम्र ही यहाँ रोता थोड़ी फेरा, हमारी तो टाइम पास होगी, बच्चों की थोड़ी हो जाएगी। हाँ, हमारे को भी कहाँ लेकटा दो। क्या चाहते हो सरकार से? सरकार से चाहते क्या, हमारे को प्लाट भी चाहिए, पानी भी चाहिए, बच्चों की स्कूल भी चाहिए। कब से रह रहे हैं आप यहाँ पर? रहते रहते हमारे को 8-9 वर्ष हो गए। तो अब जेडीए खाली करा रहा है? ये जेडीए खाली करा रहा। अब कहाँ जाएंगे आप? अब क्या मालूम कहाँ पटकेंगे, ये तो बोल रहे हैं कसरोली पटकेंगे हम। अच्छा, अब क्या व्यवस्था करी है आपके लिए? नहीं, हमारे लिए कुछ नहीं करी है, कोई व्यवस्था नहीं है। तो मैडम, हम क्या सारी उम्र ऐसे रोते डोलेंगे? वोटों की टाइम तो हमारे को याद कर लेते हैं, गांव बुला लेते हैं, वहाँ जाते हैं, वोट दियाते हैं, आ जाते हैं वापस। तो एक बात सोचो, हम तो हमारी उम्र जिंदगी गई, पर हमारा बच्चे थोड़ी रोएंगे ऐसे, तो इनकी भी व्यवस्था करो। हाँ, पर आपने खरीदी हुई थोड़े ना है जमीन, आपने पट्टा थोड़ी नहीं लिया? नहीं, नहीं, नहीं लिया, नहीं। तो जब तो आपको बोल रहे हैं भाई पट्टा तो है नहीं, हम तो हमारे टाइम निकाल रहे थे, हमारे को निकाल दिया यहाँ से, तो हम क्या यहाँ कब्जा थोड़ी कर रहे थे?
बच्चों को मजदूरी नहीं है, मतलब आपको रहने के लिए जगह चाहिए बस, चाहिए। आप ये कह रहे हैं। कितने साल से रह रहे हो यहाँ? हम तो बहुत साल हो गए रहता। कितने साल हो गए? 10-12 साल हो गए हमारे को। हमारे को जुग्गे लगाने के लिए जगह तुम दो, हम क्या करें हम इधर? कहाँ लेके जाए ऐसे? ऐसे मुसीबत में एकदम उठा रहे, तो मतलब पहले खेत बोलते हाँ उठाते हम, ये एनटीएम ने मशीन लगा उठा के फेंक दी, किसी की तोड़ फोड़ कर दी, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो आपको अल्टीमेटम तो दिया था ना पहले? पहले बोला था ना, ऐसे बोला दिवाली बाद उठा लेंगे, उठाने चाह तो एकदम मशीन लेके आ गए, तो ऐसे थोड़ी ना होता है जो एक साथ ऐसे मतलब मशीन तोड़ फोड़ कर दे। आप लोग सामान जमा रहे हैं कहाँ पर? पता नहीं कहाँ भटक रहे हैं, बोल रहे हैं ऐसे ले जाओ कहीं, हर जहाँ मतलब कहीं भी जहाँ जगह मिले वहाँ ले जाओ। अब कहाँ मिलेंगे हमारे को, ऐसे कहाँ रखे? लेकिन आप तो अवैध अतिक्रमण करके रह रहे थे ना यहाँ पर, आपकी जमीन तो है नहीं, ये सरकारी जमीन है, तो हम कहाँ जाए गरीब लोग भाई? आप इन सोचो हमारी, आपने सोचोगे तो हमारा कौन सोचेगा? पट्टे लिए हुए आपने? पट्टे तो नहीं लिए हुए, फटाफट यहाँ से भगो, यहाँ से मतलब कहाँ लेके जाए एन टाइम भाई? कहाँ जाए हमारी जमीन थोड़ी ना कहीं। यहाँ पे हमें 10-11 साल हो गए, 10-11 साल से ऐसे बताओ सब लोगों के पट्टे दिए जा रहे, हमारे गरीब आदमी, तो कुछ करो आप, कुछ करोगे आप? बड़े लोग करोगे जब हम रहेंगे ना, तो करो कुछ। तो आपको पहले से यहाँ पर अल्टीमेटम दिया था खाली करने के लिए तकरीबन 7 दिन पहले? वैसे मैडम ऐसे सुनो मेरी बात, मतलब दिवाली के 2-3 दिन पहले आए थे, ऐसे बोले थे भाई यहाँ से झुगियाँ खाली करो, जीडियो की जमीन है, तो हम ऐसे बोले हम सब हम कहाँ जाएंगे गरीब आदमी, तो हमें यहाँ नहीं तो कहीं तो जमीन दो, तो आप बड़े लोग कुछ करो हमारे लिए, तो आप ही तो करोगे ना, सबके लिए करते हो, हमारे लिए भी करो। नहीं आप बातें तो बहुत समझदारी की कर रही है, मगर एक बात बताइए, जब आपकी जमीन नहीं है, आपने किसी तरह का पट्टा नहीं ले रखा, वो तो बात सही, वो तो बात हम आपकी मान रहे हैं भाई, हमारे इस जमीन का कोई पट्टा नहीं है, तो ऐसे बताओ गरीब आदमी तो सहायता करो, कुछ तो करो आप। अभी कहाँ पर जाने के लिए बोला है प्रशासन? सरौली। सरौली में व्यवस्था करिए आपके लिए वहाँ पर, करिए साहब, बोल रहे हैं ऐसे बोल रहे हैं तुम्हारे को पट्टे दिए जाएंगे 150, अरे वो 50 गज जमीन है, वहाँ पे जाओ और अच्छे से रहो, और फिर हम वहाँ जाएंगे, फिर हम वहाँ जाएंगे, फिर तुम जैसे लोग आ जाएंगे, फिर ऐसे बोलेंगे यहाँ से उठाओ जीडियो की जमीन, फिर हम खा जाएंगे। तो मतलब अब क्या चाहते हैं सरकार से? क्या चाहते सरकार से? हम ऐसे चाहते हैं हमें गरीब आदमी की सहायता करो, हमें कोई जमीन दिलवाओ, कुछ तो सहायता करो हमारी। आप देख सकते हैं कि तकरीबन 70 से 80 झुग्गी झोपड़ियां यहां पर है जिन्हें अब खाली करवाया जा रहा है। तकरीबन 7 दिन पहले ये अल्टीमेटम जेडीए की ओर से दे दिया गया था, और उसके बाद में आज यहां पर बुलडोजर की ये कार्रवाई की जा रही है, इस जमीन को खाली करवाया जा रहा है, मगर यहां से जिन लोगों को अपना घर छोड़ करके जाना पड़ रहा है उनमें खासा आक्रोश है। कुछ और लोग हमारे साथ है, बातचीत करेंगे। अम्मा कितने सालों से रह रही हैं यहाँ पे? यहाँ हो गए हमारा करीब 10-15-20 साल हो गई। 15-20 साल हो गए यहीं पे, इसी जमीन पर रह रहे हैं तब से? हाँ, पहले इधर थे, फिर यहाँ से उठा के यहाँ लिया है, तो यहाँ से अब आए तो उठाओ जाओ, पुलिस वाले आ गए, लेडीज आ गई, तो हम गरीब आदमी क्या जाएंगे भाग भाग के? क्या काम करते हो आप? काम है बेलदारी का काम करते हैं हम तो। हमारा को यहाँ 10-11 साल हो गए रहते को, तो अब हम क्या जाए बताओ झोपड़ी लेके? हमारे लिए कोई सुविधा तो करो आप। अब आप तो उठाने के लिए आ गया, तो हम तो उठा दिए। पर आपके लिए व्यवस्था करी है ना उधर सिरौली? उधर हाँ सिरौली की तरफ करे थे, वहाँ पटकलो के ले जाके हम लगवा रहे झोपड़ी ले जाके, अब ले जा रहे तुम लोग आए उठवा रहे, तो हमारे को कोई सुविधा दो रहने के लिए, तो हम लोग रहे, हम कहाँ जाए बताओ। जब आपको अभी 6 से 7 दिन पहले अल्टीमेटम दे दिया था खाली करने की चेतावनी दी थी, तो खाली क्यों नहीं करा? अब सारे सब लोग करे तो हम भी कर देते, खाली सब लोग बोल दिए यहाँ पड़े रहेंगे, अपने को जगह देंगे, कोई जगह नहीं दिया, अब अना टपका आके झोपड़े खाली करवा दे, तो हमारे सामान भरवा रहे, वहाँ जगह बोल दे, वहाँ जगह पड़ी आप लगा लो, कोई नहीं रोकेगा तुम्हारा को। डीसी तारामती वैष्णव हमारे साथ मौजूद है। मैडम बड़ी कार्रवाई सुबह से यहाँ पर चल रही है, बुलडोजर मौके पर बुलाए गए हैं, 70 से 80 घरों के लोग बेघर हो गए हैं, क्या कहेंगे? ये जेडीए की एक बेशकीमती ज़मीन है, सेंट्रल स्पाइन ए ब्लॉक का है, और चूंकि ये जेडीए की खुद की ज़मीन है, यहाँ पे अस्थायी अतिक्रमण पहले से हो रखा है, तो इसलिए आज हमने इनको जो अस्थायी अतिक्रमण पूर्व में से किए हुए हैं इनको हटा रहे हैं, और बेघर वाली कोई बात नहीं है, इन लोगों को उसी जगह शिफ्ट किया जा रहा है, इनके सामानों के कोई नुकसान भी नहीं पहुँचाया गया, और ये कार्रवाई आज सुबह से की जा रही है, और जब तक ये सारा अतिक्रमण आज हटानी रहती है, ये कार्रवाई हम संपूर्ण करके जेडी के द्वारा की जाएगी। लेकिन मैम यहाँ पर जो लोग कह रहे हैं उनका कहना है कि 10 से 12 साल से वो लोग रह रहे हैं, तब से प्रशासन को याद नहीं आई, अब ऐसा क्या हुआ कि अब प्रशासन किस चीज़ की? अब जैसे भी चूंकि जेडीए की खुद की स्वयं की जमीन है, तो जो भी महोदय के निर्देशानुसार आज हम ये कार्रवाई कर रहे हैं,
और जो भी इन लोगों का सामान है उनको मतलब प्रॉपर वे में से ही ट्रैक्टरों के माध्यम से दूसरी जगह इनको शिफ्ट किया जा रहा है, कोई नुकसान इन लोगों का किया नहीं जा रहा है। मैडम यहाँ पर दो तरह के मामले सामने आए हैं, आधी ज़मीन पर कोर्ट का स्टे है और आधी ज़मीन पर नहीं है। नहीं, कोर्ट स्टे का कोई ऐसा मैटर नहीं है, और अगर किसी लैंड पे कोर्ट स्टे है तो उसको JDA भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। जो भी हम कर रहे हैं कार्रवाई बिल्कुल प्रोसीजरली और एकदम टू द पॉइंट और सही निर्देशों के अनुसार कर रहे हैं। कोर्ट स्टे के उधर कुछ घर बने हुए हैं जहाँ पर जिस जमीन पर कोर्ट स्टे का है, उन लोगों का आरोप है कि JDA दादागिरी करके ये कार्रवाई कर रहा है प्रशासन। एक्चुअली अगर कोई JDA की लैंड पे कोई बैठा है, अगर हम उनको प्रॉपर प्रोसीजर से अगर हटा रहे तो एक बार उन लोगों का विरोध जरूर आएगा, परंतु अभी हम कोर्ट स्टे की किसी भी लैंड को आज उसको हम कार्रवाई नहीं कर रहे। आज हम वही जो भी महोदय के निर्देश है उसी के अनुसार हम हमारी कार्रवाई कर रहे हैं, और कोई किसी भी झुग्गी वाले को या किसी को कोई नुकसान नहीं, इनको प्रॉपर प्रोसीजरली हम यहाँ से हटा के दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं। पर शिफ्ट कर रहे हैं मैम, क्या व्यवस्था है की गई? ये सिरोली है जहाँ पे हमने पहले इनके लिए एक जमीन देख रखी है और वहीं पे इनको शिफ्ट किया जा रहा है, और आप देख भी रहे हो हमारे ट्रैक्टर JDA की तरफ से जो लगाए गए, इनको फूड पैकेट्स भी हम दे रहे हैं और प्रॉपरली इनको कोई हम उस तरीके से नहीं हटा रहे। झुग्गी झोपड़ी जिन लोगों से खाली करवाई जा रही है उन लोगों को आपने सुना, साफ तौर पर कहना है कि सरकार की ओर से हमारे रहने की सुविधा करवाई जानी चाहिए, और इसी पर DC का कहना है कि उन लोगों को सिरोली की तरफ भेजा जा रहा है जहां पर उनके लिए उचित जो सुविधाएं हैं वो उन्हें मुहैया करवाई जा रही है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया, दो तरह की जमीन का मामला है, एक जमीन जिस पर अवैध अतिक्रमण की बात चल रही है जहां पर बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है, ठीक इसी के पास में जमीन का कुछ हिस्सा ऐसा भी है जहां पर कोर्ट का स्टे लगा हुआ है। वहां पर जब लोगों से बातचीत करने की कोशिश की तो उनका है कि प्रशासन की ओर से कोर्ट स्टे वाली जमीन पर जो पक्के मकान बने हुए हैं उन्हें भी खाली करने का जो अनाउंसमेंट है वो किया गया है। यहाँ पर रहने वाले कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है सर आपका? महेंद्र कुमार जैन। मैं यहाँ पिछले 20-22 साल से रह रहा हूँ, और ये जमीन हमने समिति से पैसे दे करके खरीदी है, और समिति का कहना है महावीर स्वामी गृह निर्माण सहकारी समिति से हमने ये जमीन खरीदी है। समिति का कहना है कि हमने किसान से ये जमीन खरीदी है, जिसका हमारे पास प्रूफ भी है, हमारे पास सभी तरह के लीगल दस्तावेज हैं, यहाँ तक कि पिछले 20 साल से हमारे पास बिजली का कनेक्शन भी है, और हम यहाँ हर तरह से लीगल रूप से रह रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से JDA वाले कुछ भूमाफियाओं से मिल करके इस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि यहाँ सेंट्रल स्पाइन का ए ब्लॉक आएगा, जबकि बात यह है कि हमने ये ज़मीन पैसे दे के खरीदी है, कायदे से हमें ये इसका मुआवजा मिलना चाहिए, लेकिन हमारे पास स्टे भी है, और स्टे के अलावा हमारे पास सभी तरह के लीगल दस्तावेज भी है। जब स्टे है तो कोर्ट जो प्रशासन है वो किसी तरह की कार्रवाई तो कर ही नहीं सकता है आपकी। स्टे होने के बावजूद अनाउंसमेंट करके गए हैं कि इस जगह को खाली करो, और अब हमारे ये समझ में नहीं आ रहा कि हम अपने बच्चों को लेके कहाँ जाएं। हमारे पास किसी तरह का कोई नोटिस नहीं है, हमने ये पैसे दे करके जमीन खरीदी, उसके बावजूद JDA जबरदस्ती करने पर उतारू है। प्रशासन के किन्हीं लोगों से बातचीत हुई है, किसी तरह का ज्ञापन दिया गया आप लोगों की ओर से कार्रवाई को रोकने को लेकर? हम लगातार JDA में भी जा रहे हैं, JDA में भी हमारी कोशिश है, वहाँ से कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दिया जा रहा, और ये कहा जा रहा है कि ये सेंट्रल स्पाइन का हिस्सा है तो समझ में आता है, लेकिन हमें तो कम से कम मुआवजा मिले। हमने कोई यहाँ किसी सरकारी जमीन पे थोड़ी अतिक्रमण कर रखा है, हमने पैसे दे करके जमीन खरीदी है, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है जो पैसे दे करके आपने जमीन खरीदी, सभी तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं, यहाँ तक कि किसान ने जब जमीन बेची थी महावीर स्वामी के, उस तक के डॉक्यूमेंट्स हमारे पास अवेलेबल है, और उसके बाद हमें यहाँ किसान खुद इस जमीन पे शांति विहार के नाम से रह रहा है, उसके पास जो बिजली कनेक्शन है वो शांति विहार के नाम से है। अब कुछ भूमाफिया उसके साथ मिल गए और JDA में मिल गए, इस वजह से फिर अब JDA हमारे पास जोर जबरदस्ती कर रहे हैं। अब हमारी पोजीशन यह है कि बार बार पिछले कम से कम एक महीने से प्रेशर बनाए हुए हैं, JDA के लोग आते हैं खाली करो, ये तो JDA की जमीन है, जबकि JDA की जमीन है ही नहीं, केवल मात्र इसमें स्टे भी ले रखा है, केवल मात्र दादागिरी भूमाफियाओं के साथ मिलकर के लिए उस पर अतिक्रमण कर खुद कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये दावा कर रहे हैं कि JDA की जमीन नहीं है, हमारी जमीन, उसके डॉक्यूमेंट्स है, क्या कुछ प्रूफ है इसके लिए आपके पास? हमारे पास सोसाइटी का पट्टा है, साइट प्लान है, पिछले 22 साल से मैं दुकान बना के यहाँ रह रहा हूँ, मैं दुकानदारी कर रहा हूँ, मैंने इस पर 2008 से स्टे लिया हुआ है JDA से। अभी सुबह पुलिस की गाड़ी आके अनाउंसमेंट करके गई है केवल खाली करो,
अभी हम कहाँ जाए यहाँ से। तो आप लोगों ने बातचीत की कि जब स्टे है तो फिर खाली करवाने का? बस पुलिस की गाड़ियाँ यहाँ घूम रही है, जेडी की गाड़ियाँ घूम रही है, बाकी कोई हमें वो नहीं है, बस खाली कर दो। जेडीए स्टे लेकर के मैं साथ हूँ पर कोई सुनवाई नहीं है। तो लेकिन अभी तक किसी तरह की कार्रवाई तो शुरू की नहीं गई है, फिर विरोध किस बात? उधर पास में हो रही है, इधर ही आ रहे हैं वो लोग। एक कार्रवाई शुरू नहीं हुई, लेकिन बात तो ये है ना कि यहाँ अनाउंसमेंट करके गए हैं कि इसको खाली करो, तो फिर इसका मतलब क्या है? और कम से कम 500 लोग हैं जेडीए पुलिस वाले मिल करके, अगर मान लो हम उस समय जब तोड़ने लगेंगे तो हम क्या विरोध कर पाएंगे? और क्या एक आदमी जब पुलिस वाले वहाँ एक दो जनों ने विरोध किया तो पुलिस वाले उसको गाड़ी में बिठा करके ले गए? कितने घरों पर स्टे है और सरकार से क्या मांग है? कम से कम यहाँ पे अभी 20-22 प्लॉटों पे स्टे है कोर्ट का। हम तो चाहते हैं अगर जमीन जेडीए लेती है तो कम से कम मुआवजा तो हमें मिले। मुआवजा किसानों को किस बात का? वो मुआवजा जो किसान भूमाफियाओं को ऊंचे दामों में बेच चुके उनको तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जमीन थी, पहले आपने किसानों से खरीदी और अब जेडीए जो कार्रवाई कर रहा है उसका मुआवजा किसानों को मिल रहा है? बिल्कुल यही। और इसका क्या प्रूफ है आपके पास? मेरे पास सोसाइटी का पट्टा है, बिजली का बिल है, कोर्ट का स्टे है। तो जैसा कि आप स्थानीय लोगों से सुन सकते हैं, दरअसल मामला कुछ इस तरीके से सामने आ रहा है कि यहाँ पर दो ब्लॉक बने हुए हैं, ए ब्लॉक और बी ब्लॉक, और इसी में एक कॉलोनी काटी हुई है शांति विहार के नाम से, जहाँ पर कुछ घरों पर कोर्ट का स्टे भी है। मगर स्थानीय लोगों का आरोप है कि कोर्ट के स्टे के बावजूद प्रशासन की गाड़ी सुबह आती और यहाँ पर इन्हें खाली करने के लिए अनाउंसमेंट कर दी जाती है। लोगों का कहना है कि अब हम इतने शॉर्ट नोटिस पर अपने परिवारों को लेकर कहाँ पर जाए, या तो सरकार यदि ये ज़मीन खाली करवाना भी चाहती है तो फिर उन्हें उसका उचित मुआवजा भी जरूर दिया जाए। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपके साथ इशिका जैन, वीडियो जर्नलिस्ट कृष्ण कुमार शर्मा के साथ पंजाब केसरी, राजस्थान।